हेलो क्लास, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5, जो न्यू एनसीईआरटी के हिसाब से है, लीनियर इनइक्वालिटी। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अच्छे से सारी चीजें सीखेंगे। आई होप जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है या प्रीवियस सारी एक्सरसाइज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अपने सभी दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा ये कोर्स चल रहा है। हर एक सवाल मैं सिखा रहा हूँ, हर एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो सभी लोग शेयर जरूर करा करें और बिना स्किप करे वीडियोस को देखा करें, क्योंकि हर एक चीज हमें सीखनी है यहां से। अब मैं स्टार्ट करता हूं लीनियर इनइक्वालिटी। इसका थोड़ा सा बेसिक भी हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हम इसमें पढ़ेंगे क्या क्या चीजें, है ना। वो सारी चीजें सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, सबसे पहली बात तो आप ये समझिएगा कि हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटी, है ना। हमें क्या पढ़ना है, लीनियर इन, ठीक है, इक्वालिटी, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखो क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे एक तो हमारा साइन होता है ग्रेटर देन का, ठीक है, कि भाई अगर हम कुछ चीजें शो कर रहे हैं, जैसे एक्स है और जैसे मान लीजिए 2 है और 4 है। अब आप दोनों को बताएं कि 2 और 4 में बड़ा कौन सा है, 4 है, तो हम ये साइन लगाते हैं कि बड़ा वाला, ठीक है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, जिस साइड में दोनों इसकी होते हैं ना साइड्स, उसको ग्रेटर, वो वाला ग्रेटर होता है चीजें, ठीक है। लेस देन में हमारा ये, जैसे हमारे पास है 1 और 2, तो अगर मैं ऐसे लिखूं, सॉरी ऐसे लिखूंगा तो सही नहीं होगा, लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूं कि 1 है जो 2 से लेस है। लेस मतलब जिसके ये वाला साइड जिसकी साइड में आएगी ना, वो लेस होता है। तो हम यही सारी चीजों के बारे में इन इक्वालिटी पढ़ेंगे, ठीक है, इक्वालिटी नहीं, इन इक्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा साइन होता है लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू, एक हमारा होता है लेस देन इक्वल टू। इसका क्या मतलब होता है कि या तो वो बड़ा है या उसके बराबर है, या वो छोटा है या उसके बराबर है, इसका मतलब ये होता है। तो बेसिकली हम इन चारों चीजों के बारे में अच्छे सीखेंगे, और नंबर लाइन के ऊपर इन इक्वालिटी को कैसे शो किया जाता है वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज होने वाली है, बहुत ईजी सवाल होने वाले हैं। बस ध्यान से देखिएगा हर एक सवाल की कैसे हम सवाल को करेंगे। पहला सवाल हमारे सामने क्या बोल रहा है, सॉल्व 24। देखिए 24x है, वो लेस देन है। मैंने बोला था अगर हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 24x क्या होगा, लेस होगा। जिसकी तरफ भी ये मुंह आ रहा है ना, इसका ऐसे इसको मुंह बोल सकते हो, ये इसके हाथ पैर बोल सकते हो ना, जिसके साइड में मुंह आ रहा है वो हमारा, उसकी बातें करी जा रही है, वो छोटा होगा। तो 24x है, वो छोटा है किससे, 100 से। अब दो सवाल पूछे हैं इसमें। पहला सवाल क्या पूछा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। पहला तो हमारे पास है कि एक्स अगर नेचुरल नंबर है तब क्या होगा, और सेकंड हमारे पास में है एक्स इज एन इंटीजर। तो सबसे पहला काम देखो, जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना कंडीशंस वाले, आप एक काम करिएगा, यहां से पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व सेम ऐसे मान के चलो कि ये इक्वल है। अगर ये 24 बराबर एक्स बराबर 100 होता, और तब मैं आपसे कहता कि एक्स की वैल्यू निकाल लो, तो आप क्या करते, 100 बटे इतना कर देते ना। तो ऐसे मान लीजिए ये जो हमारा सिंबल है ना, ये इक्वल के जैसे ही काम करेगा, वैल्यूज वैसे ही निकलेंगी सारी की सारी, ठीक है। बट यहां पर क्या हो जाएगा, 24x लेस देन 100 है, x लेस देन कितना हो जाएगा, 100 पॉन में 24। तो x की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेता हूं मैं। देखिए इसको मैं करूंगा 12 टाइम जाएगा 50 टाइम, ये 25 टाइम 6 टाइम, तो ये हमारे पास कितना आ गया, अगर एग्जैक्ट मैं देखूं इसको तो 4 पॉइंट कुछ आएगा, ये समझ रहे हो, 6 चौके 24, 6 कम 6, 4.1 आएगा। x क्या होगा, 4.1 से छोटा होना चाहिए। अब दो सवाल करे गए हैं यहां पर कि x इज ए नेचुरल नंबर, भाई 4 से छोटा तो भाई माइनस वाली वैल्यूज भी होती हैं, प्लस वाली वैल्यूज भी होती हैं, भाई यही तो होगा, माइनस इंफिनिटी, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2 और 3, 3 यानी कि 4 या 4 से छोटा, तो 4 भी काउंट होगा इसमें, क्योंकि 4.1 से छोटा लेना है हमें, तो 4 भी आएगा। अब x क्या बोल रहे हैं, नेचुरल नंबर है, तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा सेट के अंदर, 0, सॉरी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस सवाल के लिए। दूसरा बोल रहा है x इज एन इंटीजर, तो भाई इंटीजर तो ये सारे होंगे ना, 4 से छोटे सब इंटीजर हैं, क्योंकि इंटीजर में प्लस वाली वैल्यूज भी आती हैं, माइनस वाली भी आती हैं। तो इसको या तो आप सेट में लिख लीजिए ऐसे, माइनस 3, माइनस 2, ऐसे कर करके आप इसको डैश डैश लगाइए, या तो ऐसे लिख दीजिए, और अगर इंटरवल में लिखना चाहते हो तो कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी ऐसे आएगा, और 4 काउंट हो रहा है तो ये ऐसे आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैंने इस पे ओपन ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि इनफाइनाइट कहां तक जा रहा है ये मुझे कुछ नहीं पता है, बट 4 काउंट हो रहा है ये मुझे पता है। या फिर आंसर आप ऐसे भी दे सकते हो, ऐसे दे सकते हो, अगर 5 लिखोगे तो ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल का मतलब होता है कि ये वाला नंबर काउंटेबल नहीं है उसमें, ठीक है। अगर क्लोज इंटरवल का मतलब होता है कि 4 को भी शामिल करा गया है,
ठीक है, बस यही मतलब होते हैं। और ऐसे आप बहुत इजी तरीके से सवालों के आंसर दोगे, जैसे जैसे हम सवाल आगे बढ़ाएंगे ना वैसे वैसे आपको बहुत इजी लगने लगेंगी सारी चीजें। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर दो की बात कर लेता हूं, 12x है ग्रेटर देन, मैंने बोला था जिसकी साइड में ये टांग आती है ना, ऐसे मान लो ये मुंह है ये टांगे हैं, जिधर टांगे आ गई ना वो हमारा बड़ा होता है। तो 12x बड़ा है बोलने के लिए, प्रोनंसिएशन तो ऐसे ही करेंगे ना कि 12x इज ग्रेटर देन 30, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 12। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 6 12 या 6 2 12 6 5 30, ये हमारे पास आएगा 2.5, यानी कि x बड़ा होना चाहिए 2.5 से। अब क्या हो सकता है भाई, x बड़ा 2.5 से 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कहां तक जाएगा, प्लस के इनफाइनाइट तक जाएगा, यहां तक मेरे पास इंटरवल अवेलेबल है। अब सवाल देखो, इसमें पहला सवाल बोल रहा है कि x इज ए नेचुरल नंबर, भाई x इज ए नेचुरल नंबर होगा, तो इसको मैं कैसे बोलूंगा भाई, 2 से बड़ा नेचुरल, 2.5 से बड़ा नेचुरल नंबर क्या है, 3, 3 से लेकर इनफाइनाइट, तो मतलब मेरे पास होगा 3 से लेकर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट में कभी भी आप है ना वो मत लगा देना, क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल मत लगा देना इनफाइनाइट में, गलत हो जाएगा सवाल। अब इस इंटरवल का क्या मतलब हुआ कि भाई 3 भी काउंटेबल है और 3 से इनफाइनाइट तक हमें करना है, सिंपल सी बात है। अब अगर दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं ये वाला सेम का सेम भी लिख सकता हूं, या फिर एक और तरीके से लिखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि भाई 2 काउंट तो हो ही नहीं रहा ना, 2 और इनफाइनाइट के बीच के आएंगे, मतलब 3 से ही स्टार्ट हो रहा है इनडायरेक्टली। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है जब भी आप सवालों के आंसर देंगे। अगला सवाल पूछ रहा है कि एक्स इज एन इंटीजर, भाई इस इंटरवल में इंटीजर कौन से, ये सारे इंटीजर भी हैं, इंटीजर भी है सारे के सारे, तो आंसर सेम आएगा। अगला सवाल देख लीजिए, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, सबसे इजी एक्सरसाइज है, सबसे शेयर कर दो ताकि सब लोग सीख ले हमारे साथ में, ठीक है, सब लोग इसको खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो अब एक इक्वेशन दे दी है पूरी, अब की बार तो सिंगल आर था, अब इक्वेशन के रूप में दे रहा है, ठीक है, तो ध्यान से समझते जाओ, किसी का कोई डाउट अगर आता है ना, प्रीवियस अगर एक्सरसाइज में भी डाउट है वो भी आप किसी भी वीडियो में दे सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखो, मैंने बोला था कि ये जो है ना ये इक्वल के जैसे बिहेव कर रहा है, तो आप x की वैल्यू निकाल लो, 5x माइनस 30 माइनस 3 लेस देन 7, तो 5x क्या होगा, अब ये 3 इक्वल के इधर जाता है तो प्लस में होता है, सेम यही है पर अप्लाई होगा, 5x इज लेस देन आएगा 10 और x लेस देन आएगा 2, सिंपल सी बात, 5 से काट देंगे 2 टाइम्स, यानी कि x की वैल्यूज क्या आएंगी, माइनस इनफाइनाइट और ये होगी -3 -2 -1 0 और 1, ये हमारे पास एक इंटरवल दे रखा है, ठीक है, ये पूरा हमारे पास सब एक सेट है। अब आंसर देने देखिए, पहला हमें बोल रहा है कि x इज एन इंटीजर, हमें बोल रहा है x इज एन इंटीजर, तो भैया इंटीजर कौन से हैं, ये सारे इंटीजर ही तो हैं, इंटीजर में प्लस वाले भी आते हैं, इंटीजर में माइनस वाले भी आते हैं, तो इसका आंसर भी कई तरीके से दे सकता हूं, एक तो माइनस इनफिनिटी से और 1 दे सकता हूं, लेकिन 1 पर ये लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 काउंटेबल है इसमें, और अगर ऐसे करता हूं तो मुझे ये लगाना पड़ेगा, सॉरी 2, ये वाला भी आंसर सही है, ये वाला भी आंसर सही है, ये वाला भी आंसर सही है। दूसरा बोल रहा है x इज ए रियल नंबर, तो भाई रियल नंबर तो ये सारे ही होते हैं, तो ये तो सारा ही आंसर आ जाएगा इंटरवल में, ठीक है। अगला सवाल है, ये आपको खुद से करना है, कमेंट करके मुझे आंसर जरूर 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 बताने हैं, क्योंकि बहुत इजी सवाल थे पहले 4, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और सीख लीजिए इसी क्लास में, भाई आपको पता होना चाहिए कोई भी इनक्वालिटी होती है ना, ये वाली चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, अगर हमारे पास -3x दे रखा है और 6 दे रखा है, और अगर मैं इस माइनस को हटाऊंगा यहां से, माइनस कैसे हटेगा, पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ध्यान रखो किसी भी एक्सप्रेशन को इनइक्वालिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अगर हमारे पास है -3x is less than 6 और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो प्लस का 3x आ जाएगा, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ये इनइक्वालिटी चेंज होगी माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनइक्वालिटी डेफिनेटली चेंज होगी उस सवाल में, हर जगह चेंज मत करना, मल्टीप्लाई के केस में करेंगे, मैं आगे जब चलूंगा तब सिखाऊंगा ये सब चीजें, है ना। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, जय हिंद जय भारत।